आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुई बाजार से एक मेडिकल हॉल का गुरुवार की रात ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत हजारों का माल पार कर दिया। शुक्रवार की सुबह पड़ोसियों ने दुकानदार को सूचना दी। दुकानदार ने मौके पर पहुंचकर शटर खुला तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दुकानदार ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। मुबारकपुर क्षेत्र के जमुई निवासी रामचंद्र मौर्य की जमुई बाजार में दवा की दुकान है। रोज की भांति वह गुरुवार की रात करीब 9 बजे दुकान बंद करके चले गए। अज्ञात चोरों ने दुकान में बंद दोनों तालों को तोड़कर काउंटर में रखे 6,000 रुपए नगद, दवा और च्यवनप्राश उठा ले गए। सुबह जब पड़ोसी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो मेडिकल हॉल का ताला नहीं लगा देखा तो रामचंद्र के परिवार को जानकारी दी। सूचना मिलने पहुंचे रामचंद्र ने दुकान का शटर खोला तो कागजात बिखरा देख सन्नरा गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर लोहरा चौकी इंचार्ज अश्वनी कुमार मिश्र ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। क्या नाम है? जी सर, अजय मौर्य। किसकी दुकान है और क्या? जी अपनी दुकान। क्या नाम है दुकान का? मौर्य मेडिकल हॉल जमुई। क्या मामला हुआ था? सर हम लोग 9:15 बजे आए दिन की तरह पड़े दुकान बंद किए गए। हालांकि रात में तो भाई साहब हमारे आते ही 12 बजे आए, गश्ती करके भी गए और सुबह को यहाँ से फिर मार्केट के लोग फ़ोन किए कि तुम्हारा जो है शटर खुला हुआ है। तो ताली तो हमारे पास थी, हमने कहा शटर कैसे खुला हुआ है, तो आए देखे ये वारदात हुआ है चोरी का और सब चोरी वोरी करके लोग ले गए। सामान में कुछ दवा वा ले गए हैं कुछ, बाकी पैसा जितना यहाँ पे कैश था 20-25 हज़ार कैश था वो सब छानबीन करके लेके गए हैं। सूचना पुलिस को आप दी? हाँ, पुलिस को दिया गया, आई है। वो दिन में भी 2 बार लोग आए थे, अपना जाँच उच करके ले गए हैं, बोले हैं कि ठीक है हम पुलिस कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।